गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारे ब्लॉग का डे 5 एंड सबसे पहले तो थैंक यू उन सबको जिन्होंने हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स को इतना पसंद करा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा एंड मैं पर्सनली सारे कमेंट्स देख रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ठीक है अगर हमने ये डिसीजन लिया दैट हम मेरी जर्नी कवर करेंगे तो एक्चुअली मैं लोग उसमें मतलब कहते हैं ना इट्स हेल्पफुल फॉर एवरीबडी और सब लोगों को अच्छा लग रहा है वो। बट जैसे कि मैं इतने दिन से आपसे ये शेयर कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि हर दिन अलग होता है इसलिए प्री प्लानिंग अजम्पशंस और इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता उतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में। अब मेरे लिए आज इज़ नॉट अ वेरी गुड डे बिकॉज मुझे कल पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई और आज थोड़ा सा एनर्जी लो है और थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ बट वही है दैट यू नीड टू नो योर लिमिट्स। तो आज हम ज़्यादा भगदड़ ना करके बस आराम से घर पे अपना थोड़ा बहुत शूट करेंगे, अगर हम थक गए तो हम आराम करेंगे। आज हमने अपना शूट लेट शुरू करा क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज क्या करेंगे चलिए। तो जैसे कि अब आप सबको पता है कि अब कभी भी न्यूज़ आ सकती है क्योंकि आई हैव एंटर्ड माई 38th वीक और उसके बाद हमारे को हर एंगल से रेडी होना होता है। तो जैसे कि आपने देखा अभी कुछ दिनों में हमने अपनी अलमारियाँ सेट कर ली, हमने बेबी शॉपिंग बहुत सारी कर ली है और मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मॉम ने, सब ने अपने अपने हिसाब से जो जो उनको ठीक लगा वो सब ले लिया। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे को करना होता है जिसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए दैट्स द हॉस्पिटल बैग। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ आज अपना हॉस्पिटल बैग जो मैंने रेडी करके रखा हुआ है। सो दिस इज माय हॉस्पिटल बैग। तो इसमें मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं जो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। सो टू स्टार्ट विद मैंने एक दो ड्राई शीट्स रखी हैं, दिस इज़ बेबी ब्लैंकेट क्योंकि अब मौसम उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है बट हमें बेबी को तो कवर करके रखना पड़ेगा। ये इस तरीके से बेबी का अपर पार्ट ये हमने मंगाई थी इसके साथ के छोटे से जॉगर्स विद दिस कैप। यही हम अपने व्लॉग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि इट्स अ न्यू लर्निंग एंड वी विल डू द बेस्ट टू लर्न एंड वी विल बी द बेस्ट। और ये है हमारे लंगोट। आजकल बहुत अच्छे अच्छे लंगोट आ रहे हैं जिसमें कि वो वाली फैसिलिटी होती है कि वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं बेबी का जो भी यूरिन होता है और वो नॉर्मल लंगोट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं बट क्योंकि कहते हैं बेबी को खुला भी रखना चाहिए तो मैंने नॉर्मल लंगोट भी रखे हैं और वो वाले लंगोट भी रखे हैं जो आपको कहीं भी आजकल ऑनलाइन मिल जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने लिए क्या रखा है। सो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी होती है क्योंकि जब बेबी होता है देन देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक यू नो हम लोगों के लिए भी वो होता है कि यू वांट टू बी ड्राई क्लीन एंड एवरी थिंग। सो लाइक चेंजिंग योर अंडर गारमेंट्स एंड पैंटीज अगेन एंड अगेन इज अ टास्क। सो मैंने डिस्पोजेबल पैंटीज रखी हैं, मैंने मेटर्निटी पैड्स रखे हैं और मैंने 3 दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा ही रखे हैं और ये भी एक तरह के मेटर्निटी पैड्स ही हैं। और इसके सिवा मैं आपको एक और बैग दिखाऊंगी जिसमें मैंने अपने लिए सामान रखा है। इस बैग को अब नीचे रखते हैं और ये वाले बैग की तरफ आते हैं। तो इसमें मैंने अपने लिए रखे हैं फेस टॉवल्स, बाथ टॉवल्स, अपने लिए कंफर्टेबल क्योंकि अभी मौसम ऐसा है कि विंटर्स भी नहीं है समर्स भी नहीं है तो ऐसे स्वेटशर्ट टाइप के मैंने अपने 2-3 आउटफिट्स रखे हैं और महा कंफर्टेबल आउटफिट्स रखिएगा प्लीज। और जिसमें मुझे अभी ऐड करना है वो है थोड़ी बहुत मेरी टॉयलेटरीज, मेरा टूथब्रश, माय स्लिपर्स ताकि वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। और मुझे पता नहीं उसको बोलते क्या है पर मम्मी मुझे बोल रही थी कि एक
मलमल का क्लॉथ रखना चाहिए जिससे कि आपको अपना हेड कवर करके रखना चाहिए, और नानी ऐसे कह रही थी कि तेल लगा के रखना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे बॉडी ज़्यादा खुली नहीं रहनी चाहिए। अब ये कितना मिथ है कितना फैक्ट है मुझे नहीं पता, बट हाँ पेरेंट्स कह रहे हैं, एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, उन्होंने किया है तो आई एम श्योर सही बोल रहे होंगे। और इसके सिवा मैं रखूँगी अपने साथ थोड़ा सा एक लाइक बेसिक सा मेकअप विच विल इंक्लूड माई सनस्क्रीन, माई लिपस्टिक, माई लाइनर, क्योंकि देखो जब आप बेबी को घर लेकर आओगे तब फोटोज क्लिक होंगी और फोटोज अच्छी आना तो उस मेमोरी के लिए एक कहते हैं ना मस्ट है। अच्छा मेरे को लगा ये वो वाला रैकेट है PS5 वाला वो रखा। मुझे क्या पता पाप, मैंने ध्यान मैं बहुत खेली हूँ, पापा मेरे बहुत चैंपियन थे, फिर कह रही टेनिस रैकेट। ध्यान ही नहीं दिया ना क्या है? ये हमारे बेबी शार के कुछ पेंडिंग क्रिब में रखने का बेबी का मैट्रेस है। अब ये मुझे देखो ये होता है कि आपको कभी कभार एफर्ट मारना पड़ता है समझने के लिए कि एक्चुअली में वो चीज है क्या, मुझे नहीं पता ये क्या है, पूछना पड़ेगा, मैं बताऊंगी पूछ के ये क्या है। 6.5 hours later. Okay, so guys, this is the feeding pillow. We have finally figured कि ये क्या है, अभी कैसे यूज होगा, क्या होगा, ये हम खुद सीखेंगे और फिर आपको भी बताएंगे। ये बहुत काम की चीज है, ये तो मुझे बोला भी गया था लाइक अ कैडली। चलो देखते हैं क्या क्या आया है। बेबी टॉप, बेबी बॉटम, this is so 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 cute. ये सारे बेबी वंजी हैं, ये एक और बेबी वंजी है, इतना क्यूट सा। इस पे क्या लिखा है? A half set poo is always the right size. एक और बहुत क्यूट सा बेबी वंजी, और ये लाई है हमारे बेबी की मासी ज्योत्सना। सो थैंक यू सो मच ज्योत्सना। ये मेरी पर्सनली वो है कि जो भी न्यू क्लोथ्स आते हैं, मिमी का एक बेबी डिटर्जेंट आता है उससे वॉश करके फिर मैं बेबी की अलमारी में रखती हूँ। सो या ये थे हमारा आज का बेबी शार की पेंडिंग गिफ्ट्स। मैं शाहरुख खान ऑब्सेस्ड फैन हूँ, जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होता मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की पिक्चर लगा दो और मुझे छोड़ दो। तो क्योंकि आज इतना ज़्यादा ऐसे अजीब सा डे है क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आई है ठीक से, तो हम वीक पे ले रहे हैं ब्रेक्स। और गाइस जैसे मैंने बोला था कि जगह तो बनानी पड़ती है, तो मैंने जो मुझे बेबी शार पे गिफ्ट्स मिले थे और जो मुझे पता था कि अभी एज ऑफ नाउ अभी काम नहीं आने तो वो मैंने रख दिए थे। तो अब हम सिर्फ एक लिस्ट बना लेते हैं क्योंकि अब हमने सारा सामान जो है वो अपना बेड के अंदर डाला हुआ है। तो आप देख सकते हो ये हमारी बेबी प्रेप्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए रहती हैं, रॉकर चाहिए होता है, कैरियर चाहिए होता है, और ये अभी काम नहीं आएगा डिंग डोंगर, लेकिन ऑब्वियसली बाद में काम आएगा। इसकी लिस्ट बना ली है, ये लिस्ट मैं फ्रिज पे चिपका दूंगी ताकि जो भी घर है उसको पता हो मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, जो तो नहीं है मुझे गिफ्ट कर देना। बोलो ना प्लीज। एक मछली चपक पानी में गई। हमारे घर पे बना है मसाला डोसा जिसमें आलू हम बाहर रखवाते ताकि डोसा करारा रहे और आलू अलग से फिर उसके साथ बढ़िया लगते हैं। माही बना रही है गरम गरम डोसे और हम डोसा खाएंगे फिर हम पार्क जाएंगे क्योंकि हमें वॉक करने जाना होता है शाम को। आज तक तो नहीं मैं जाती हूँ, आप घर पे नहीं होते हो। अच्छा अच्छा आपको क्या लग रहा है मेरे फेस पे ग्लो है नहीं है? मैं दिल्ली में हूँ इस समय।
आपने बोला ना आपकी गर्दन पे भी मोटापा आ गया है। पापा को बड़ा मजा आ रहा है, पापा उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे घर के पास एक बहुत अमेजिंग क्लब है और उसकी ब्यूटी ये है कि वो मेरे घर से लिटरली 1 मिनट की वॉक पे है। तो मैं शाम को कोशिश करती हूँ कि आधा घंटा टाइप सी जितना मतलब मन करे एक्सर्ट नहीं करना और थोड़ा वॉक करके आऊँ और थोड़ा अरे हेलो तो वॉक करके अपना वहाँ पे जाते हैं और फिर वहीं पे आधा पौना घंटा वॉक करते हैं। मैं आपको दिखा के लाती हूँ, जब अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं थी वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है तो फिर मैंने स्विमिंग भी वहीं करी है। तो मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी आपको वहीं देखने को मिलेगी क्योंकि मैं वहीं पर जाके स्विमिंग करूँगी और वहीं जाके वेट लॉस करूँगी। मैं देख रही हूँ कि हमारे गुलमोहर में भी हवाएं चलने लगी हैं। मोहब्बतें वाला पेड़ है देखो, ऑरेंज लीव्स की डियर मेघा फलाना ढिमकाना आई लव यू तुम्हारा raj.r। तो चलते हैं क्लब घूम के आते हैं। ये है हमारा क्लब, क्रिकेट टेनिस सब कुछ मतलब अवेलेबल है, योगा स्विमिंग बच्चों के लिए फुटबॉल बास्केटबॉल बड़ों के लिए भी जिम सब कुछ है। इसकी मुझे बहुत याद आती है क्योंकि ये मेरा स्विमिंग पूल है जहाँ पर मैंने मतलब 2 साल से मैं लगातार स्विमिंग कर रही हूँ एवरी समर्स। तो अभी ये क्योंकि समर्स आएंगी उसकी तैयारियाँ चल रही हैं लेकिन नेक्स्ट 2-3 महीने में ये पूरा और सेट हो जाएगा। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा क्लब, हमारा पूल जो अभी कंस्ट्रक्शन में है। एंड हाँ, जो भी लेडीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं या जो भी मतलब प्लान कर रहे हैं, अगेन टू ईच इट्स ओन, सबकी प्रेगनेंसी अपनी होती है बट कहते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली व्हेन यू आर क्लोजर टू योर डिलीवरी डेट एक्टिव रहना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इस समय माई टमी इज़ लाइक फुल आउट एंड आई कैन लाइक इट कैन हैपन एनी टाइम, बट मैं वॉक पे आती हूँ क्योंकि जनरली शाम को बाहर निकल के अच्छा लगता है और इट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ गुड फॉर द बेबी दैट यू आर एक्टिव एंड यू आर इन योर नॉर्मल रूटीन। जैसी लगे थक रहे हो एग्जर्ट हो रहे हो प्लीज़ आराम करो, डोंट पुश योर सेल्फ। तो अब हम थोड़ी देर वॉक करेंगे और फिर हम जाएंगे घर। तो हमने हाफ एन आवर वॉक करी पार्क में, राउंड लगाए आराम से और हम घर जा रहे हैं। हाँ, मुझे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मुझे हल्की हल्की सांस चढ़ गई है, ये भी नॉर्मल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज थोड़ा सा हेक्टिक डे था और कल रात को मुझे काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो रहा था सोने में और मैं टॉस करने जा रही थी इधर से उधर, और आज क्योंकि पापा भी आए हुए थे तो होता ही है दैट एक्साइटमेंट में ये वो कुछ ना कुछ पूरा दिन। तो आज बैटरी हो चुकी है पूरी तरीके से ख़त्म और इसी नोट पे ख़त्म होता है मेरा day 5। तो इतनी नींद आ रही है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद अपना प्रेगनेंसी पिलो निकाला है और ये भी टू ईच इट्स ओन होता है, किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है किसी किसी को नहीं अच्छा लगता, बट हाँ मुझे आज इसको यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। सो या हमें आराम से प्रेगनेंसी पिलो को सेट करके हम चले सोने, कल मिलते हैं, गुड नाइट। एंड यस प्लीज़ अगर अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, बाकी तुम सबको पता मेरे को सोना। बाय।